हेलो, आई एम विकट खान। मैं क्वींस हॉस्पिटल के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे एक इमरजेंसी में आई थी। आई हैव अ 7 month प्रेगनेंसी जिस वक्त मैं यहाँ आई थी, एंड अचानक बिकॉज ऑफ लेबर पेन मुझे यहाँ दिखाया गया, एंड डॉक्टर जैस्मिन सर्वे ने मेरी डिलीवरी की थी। प्रीमैच्योर बेबी था मेरा, सिर्फ 900 grams की मेरी बेबी थी, 27 weeks की। तो यहाँ पे उसे काफ़ी केयर मिला, NICU में रखा गया डॉक्टर तालिब सर्वे के अंडर। उसका सारा प्रोसीजर्स किया गया, काफ़ी कोऑपरेट किया डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, पूरे स्टाफ ने, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट ऑल ऑफ देम। सो आई जस्ट से थैंक यू टू देम। मैं इस्तामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। आपको बता दें, ईद के मौके पर मित्तल ग्राउंड में यहाँ पर बुमराह फेस्टिवल के नाम से मेले का आयोजन किया गया है। दरअसल ये मेला 22 अप्रैल से और 14 मई तक यहाँ पर चलाया जाएगा, लेकिन जिस तरह से मेले की वजह से अब ट्रैफिक जाम की जो मामला सामने आ रहा है, अब ऐसी खबर भी सामने आ रही है कि ट्रैफिक जाम होने की वजह से जो है इस जाम में फंसे करीब 1 से 2 लोगों की मौत होने की घटना सामने आई है। और इस मौत होने के मामले को लेकर जो है, और ट्रैफिक जाम को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर मुस्लिम लीग पार्टी जो है वो ट्रैफिक विभाग के जो DCP है उनसे मुलाकात की है, और इस मेला जो लगाया गया है इस पर भी इन लोगों ने सवाल खड़ा किया है कि आखिर जिस तरह से आयोजकों के तरफ से जो मेला लगाया गया है, तो आखिर उनके तरफ से यहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए वॉलेंटियर क्यों नहीं खड़े किए गए हैं। और साथ ही ट्रैफिक विभाग पर भी सवाल उठता है कि अगर परमिशन मेला लगाने का दिया गया है, तो यहाँ पर ट्रैफिक विभाग के कर्मचारी ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए क्यों नहीं खड़े रहते हैं। मुस्लिम लीग पार्टी के फरहत शेख यहाँ पर हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से ट्रैफिक जाम का मामला सामने आ रहा है, और आप लोग ही अभी जानकारी दिए कि ट्रैफिक जाम होने की वजह से मौत का मामला सामने आया, ऑटो रिक्शा में शायद 2 लोगों की मौत हो गई है, क्या पूरा मामला है, क्या बताना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। देखिए कैसा है, हम किसी भी ऐसे कल्चरल इवेंट के खिलाफ नहीं थे, लेकिन आप मुमरा फेस्टिवल या मेले के नाम पे कि दूसरा मौत का मेला अगर आप चालू करोगे तो हम इसके खिलाफ है। अगर किसी भी चीज़ की आपको अगर इवेंट रखना है तो आपको उसकी वो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको पूरे करने चाहिए थे। अगर आपको इतना बड़ा मेला यहाँ लगाना था तो आपने यहाँ पर इतनी ज़्यादा ट्रैफिक हो रही है कि आपने अपनी तरफ से कुछ वार्डन खड़े करने चाहिए थे। और हमने यहाँ पर इतनी इमरजेंसी में ये सारी मीटिंग्स इसलिए की क्योंकि इस वजह से, ये मेले की वजह से खास तौर से ट्रैफिक इतना ज़्यादा जाम हो गया कि एक बच्चे ने जन्म लेने से पहले ही मौत, मतलब उसको मौत हो गई। बच्चे, मतलब माँ बाप ने अपने बच्चे को देखा नहीं और वो पेट में ही बच्चा जो है वो मर गया। आप बताइए उस फैमिली पे क्या बीत रही होगी। मेरे, आप जो बता रहे हैं बात, ये कब की बात है? ये परसों की बात है, क्योंकि परसों के दिन है ना ये इवेंट हुआ। बाकी था वो एम्बुलेंस में 2 प्रेग्नेंट लेडीज थी और जिनको यहाँ पर से शिवाजी हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा था, और उसके अंदर जो है एक जो है वो ट्रैफिक की वजह से कि वहाँ पर पहुँच ही नहीं पाएंगे तो उन्होंने वापस लेना चाहा, लेकिन आधा से कौन घंटा जो है वो ट्रैफिक में एम्बुलेंस फंसी रहने के कारण वो लेडी बर्दाश्त नहीं कर पाई। बाद में उनकी भी तबीयत, कौन से एरिया में फंसी थी एम्बुलेंस? ये मित्तल के एरिया में, मित्तल पीछे से आ रही थी, अपने MM वाली हॉस्पिटल के पीछे से आ रही थी और यहीं पे एम्बुलेंस फंस गई थी। बाहर मेन रोड तक, यही नाके पे, बाहर मेन रोड तक भी नहीं आ पा रही थी। फिर उन्होंने किसी भी तरीके से सोचा कि हम उसको यू टर्न लेके वापस चले जाए। अब वो वापस लेने के लिए इतनी ज़्यादा ट्रैफिक हो गई कि वो बच्चा जो है वो जन्म लेने से पहले इस दुनिया से चला गया। तो ये कितनी गलत बात है कि माँ बाप ने अपने बच्चे को खो दिया पैदा होने से पहले। और दूसरी बात, हमारे साथ में एक रिक्शा ड्राइवर हमारे सामने जो हमारी मुस्लिम लीग पार्टी के भी है, उन्होंने भी बताया कि परसों वो एक रात के 11 बजे, आप बताइए मेले की जो परमिशन है वो कितने बजे तक होनी चाहिए? 10 बजे आपको बंद कर देना चाहिए। रात के 11 बजे का समय है, किस्मत कॉलोनी से ये अपने एक पेशेंट को इमरजेंसी में लेकर जाए थे शिवाजी हॉस्पिटल, उसको हार्ट अटैक आया हुआ था, वो मुमरा भी नहीं क्रॉस कर पाए और वो उन्होंने इनकी ही रिक्शा में जो है वो दम तोड़ा है, इनकी ही रिक्शा में जो है दम तोड़ा वो लड़के ने। तो आप सोचिए कि आपने किस तरीके का ये इवेंट किया। तो हमने ये सवाल उठाया, सबसे पहले हम लोग कल यहाँ पर गए, जो वातक विभाग के जो सीनियर है उनसे हमने बात की, उनको कलेक्टर साहब, खेड़ेकर साहब से, खेड़ेकर साहब से हमने बात किया और उनको बोला कि भाई आपने किस टर्म एंड कंडीशन पे इनको यहाँ पर परमिशन दिया। अगर आपको इतना बड़ा मेला, और एक नहीं, 2 नहीं 3 4 जगह मेले लगे, अरे ईद खत्म हो गई, बस हो गया, दूसरे लोगों को अपने काम पर जाने दो भाई। आपने 1-2 दिन के लिए नहीं देखी, 14 मई तक लगा हुआ है, यानी 14 मई तक कोई ना कोई ऐसी आफत आने दे। आपको बताया, हम लोग जब ऊबर तार पर बैठने वाले थे तब इन लोगों ने क्या कहा था कि अरे नहीं, ट्रैफिक का मसला होगा, हम आपको परमिशन
परमिशन नहीं दे सकते, यानी आपने मौत की परमिशन यहाँ पर दे दी है। अगर आपको मेला लगाना था ना, लाखों रुपए कमा रहे हो ना मेले से, कुछ चंद जो है 15-20 वॉलंटियर्स आप यहाँ पर खड़ा नहीं कर सकते थे ट्रैफिक मैनेज करने के लिए। हमने ये भी सजेशन दिया डीसीपी को, ये जो एंट्रेंस है इसको डाइवर्ट किया जाए, और अगर इसको रखिए मेन रोड पे बहुत ट्रैफिक होता है, इसका गेट भी डाइवर्ट किया जाए, क्योंकि तनवर नगर और आगे जो लगा है वहाँ पर हम नहीं कर सकते, लेकिन इसका कर सकते थे हम। तो हमने वो भी सजेशन दिया। हमारे सामने ही जो सीन राठौर साहब है, उन्होंने जो है सामने ही हमारे जो है फ़ोन किया खेड़ेकर साहब को, और उन्होंने बोला कि जल्द से जल्द ये मेले बंद होने चाहिए। उन्होंने सीधा साफ कहा ये मेले बंद होने चाहिए, और अगर ये मेले बंद नहीं हुए और ऐसी आफत आती रही तो फिर इसके ऊपर जो है वो एक्शन लिया जाएगा, और अगर जैसे परमिशन दी गई है तो आपको यहाँ पर वार्डन खड़े करने पड़ेगा, अगर वार्डन नहीं हुआ तो ये मेला बंद होने वाला है। और ये मेरी चेतावनी है आखिरी इस मेले वालों को भी, और ये बैनर पर लगे हुए फोटो जिस जिसके उनको भी, कि अगर आपने ऐसा कोई इंतजाम अब नहीं किया तो ये मेला बंद हो जाएगा, ये 14 मई तक आपका ये जो कार्यक्रम है ये नहीं चलेगा। आप आगे मोहम्मद शाहिद। अच्छा, क्या हुआ था? आप रिक्शा ड्राइवर बता जरा, आप रिक्शे में पेशेंट लेकर जा रहे थे, तो दरअसल उसकी मौत कैसे हुई, कहां पर हुई, कहां से कहां आप लेकर जा रहे थे? मुमरा से मैं यहां से निकला हूं, मतलब तनवर के पास से, तो मुझे यहां पे मिले लोग जो कि जो पीड़ित थे वो मिले हैं मेरे को, तो बोले कलवा जाना है, सीरियस था, कुछ 10:30-11 बज रहा था वो करीब में मैं लेके निकला हूँ, पेशेंट की हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी, इमरजेंसी में लेके निकला मैं, तो मेरे को जाते थे यहाँ पे ट्रैफिक मिली, और जो है कि मुमरा क्रॉस होते होते उसने अपना दम तोड़ दिया उसने। यहाँ ट्रैफिक में कितना देर लग गया आप? अबे कम से कम मुझे लग गया आधा पौना घंटा लग गया यहाँ पे, आधा घंटे में। हाँ, और मुमरा जाते जाते जो है ना मेरे को कम से आधा पौना घंटा ऊपर लग गया। हाँ, डेथ उसकी कहाँ पर हुई थी? डेथ जो मुमरा इसके अंदर ही हो गई थी, बीच में ही हो गया था वो। हाँ, मतलब वो सीरियस भी था ज़्यादा, तो इसके लिए जो है कि मैं वहाँ तक पहुँचा नहीं पाया उसको, और फिर रिटर्न लेके आना पड़ा परसों की बात। सोचिए 11 बजे के टाइम पर भी इतनी ट्रैफिक है और ये मेले बंद नहीं हो रहे, तो क्या कर रहे हैं यहाँ के वाहतुक विभाग के लोग? और बोलते हैं आप रोना रोते हो कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, तो आप स्पेशल स्टाफ नहीं तो फिर ऐसे मेलों का परमिशन क्यों देते हैं? हमने साफ तौर से उनसे कह दिया है कि अगर कुछ ऐसा रहेगा तो आप उनके सामने कंडीशन रखिए कि आप जो है, क्योंकि आप ही देखो बकरीद आने वाली 2 महीने बाद, फिर ये मेले का इंतजाम करेंगे। हम ऐसे इवेंट को मना नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको किसी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ कीजिए, आप उसको पूरा प्रिपरेशन कीजिए, और अगर उन्होंने वो फुलफिल नहीं किया आप सीधा मना कर दीजिए। हम आपको जितना बड़ा मेला रहेंगे उतने ज्यादा स्टाफ होने चाहिए, हमने ये डिमांड रखी है वहाँ पर, हमने कहा है कि हम वापस रिमाइंड करेंगे आपको आकर के, जब भी ऐसा कुछ होने वाला रहेगा आप पहले उनके सामने डिमांड रखिए कि इतने इतने वार्डन होने चाहिए, और अगर नहीं देंगे तो आपको परमिशन नहीं मिलेगी, सीधी बात। इसके पहले भी कहीं ना कहीं मुमरा फेस्टिवल लगाया गया था, काफी बड़ा प्रोग्राम था, उसके अंदर खुद अजय नवाज जी भी आए थे, लेकिन उस समय भी काफी ट्रैफिक था, कुछ लोगों ने मुद्दा भी उठाया, ऐसे वो समय होने के बाद भी बार बार परमिशन क्यों दी जाती है? अब परमिशन दी जाती है, अब वो इंटरनल जो भी इन लोग करेगा परमिशन, लेकिन है ना, मौत की परमिशन किसी को नहीं देनी चाहिए, ये मेरा आखिरी है। और उस वक्त अगर किसी ने आवाज़ उठाया मुझे नहीं पता, लेकिन अब जब मैं आवाज़ उठा रही हूँ, अब हम लोग, और ये मुस्लिम लीग हमेशा करती है, जो चीज़ उठाती है उसको ख़त्म करके रहती है, तो अगर ये वार्डन का इंतजाम नहीं से अभी यहां देखा जा रहा है जो लिखा हुआ है बैनर पे 14 मई तक ट्रैफिक जाम हो रही है रात के समय में, अगर ऐसे ही हालात रहे एक दो दिन में ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हुई, इन लोग वॉलंटियर नहीं तैनात किए, तो आप लोग क्या आगे करते? मेला बंद हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि हमने यही रिक्वेस्ट की, हम आए दिन एक दिन में अगर दो दो मौतें हो रही है तो ये हमको ऐसा मेला ही नहीं चाहिए, कि जिस मेले की वजह से मौत हो रही है हमको ऐसा मेला ही नहीं चाहिए। अगर 1 से 2 दिन में यहाँ पर वार्डन के इंतजाम नहीं होते तो ये मेला बंद करने की जिम्मेदारी फिर हमारी है, कि हम इसको जो है वो, क्योंकि ट्रैफिक क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर वो नहीं हुआ तो हमको आगे एक्शन लेना ही पड़ेगा फिर इसके लिए। तो आपने सुना कि मुस्लिम लीग पार्टी के फरहत शेख है और तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। दरअसल जिस तरह से ये मित्तल ग्राउंड में मेला लगाया गया है, दरअसल इस मेले की शुरुआत 22 अप्रैल 2013 से 22 अप्रैल 2023 से 14 मई 2023 तक इस मेले का आयोजन है। ऐसे में सवाल जो है मुस्लिम लीग उठा रही है कि लाखों रुपए मेला के जरिए कमाने वाले जो आयोजक हैं वो लोग आखिर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर वॉलेंटियर क्यों नहीं खड़ा करते हैं, और ऐसे में अगर 1 से 2 दिन 3 दिन में यहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक कर्मचारी या फिर वॉलेंटियर नहीं मौजूद रहते हैं तो इनका ऐसा कहना है कि ये मेला बंद कराने के लिए भी पुलिस प्रशासन के पास लेटर देकर निवेदन करेंगे कि इस मेले को बंद किया जाए।